हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्ट मैनन सर एंड जसवंत सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद सर मैं ये बोलूंगा कि जब 2011 में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा जो स्ट्रीम हुआ करता था, स्ट्रीम जो था वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का था, ठीक है। तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज था। उसमें ये था कि जो मैथ्स के स्टूडेंट थे वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में फोकस थे, बट एट दैट टाइम ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं इंजीनियरिंग की भी उस टाइम पे पर एनम 1 लाख रुपीज़ का कुछ हुआ करता था सम फीस। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विथ बीबीए। तो उस टाइम पे फिर भी मैं डिलेमा में था कि बीबीए करना है तो आगे क्या स्कोप रहेगा। तो मेरे को अच्छे से याद है कि मिस्टर दुन्ना प्रकाश जो कि हम लोग 2008-2009 से साथ में हैं स्कूल में भी, तो प्रकाश का भी प्लान सेम था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बीबीए करेंगे। देन आई अप्रोच शंकरा कॉलेज। उसके बाद मैं जब मेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में आया था उस टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, मैं बैलेंस सर जसवंत सर से मुलाकात किया। तो उस टाइम पे मैंने सर से गाइडेंस दिया कि सर मैं बीबीए के लिए कर रहा हूँ, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मैं इंजीनियरिंग के लिए सोच रहा था तो आगे क्या स्कोप रहेगा। तो सर ने मेरे को गाइड किया कि आप बीबीए करो। बीबीए के बाद बीबीए बैचलर डिग्री ऑफ मैनेजमेंट और उसके बाद आप मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हो एमबीए। देन इसमें ये चीज है कि आगे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो आप तो बीबीए के लिए फायदा, बीबीए के बाद फायदा मिलेगा, एमबीए के बाद भी आपको ये चीज मिलेगी। तो उसमें ये चीज करके मैं बीबीए कंटिन्यू किया। मेरे को अच्छे से याद है कि मैं डेली मतलब एवरी डे आई यूज टू कम टू कॉलेज। इसके बाद हम भी जब एक्टिविटी करते थे तो कोशिश रहती थी कि हमेशा अपना प्रेजेंस रखें, अपने आप को हाईलाइट करें, अपना इम्पोर्टेंस दिखाएं कि बच्चों के बीच में हम भी रह सकते। इसके बाद जो फेस्ट वगैरह हुआ करता था, फेस्ट में भी ऑलवेज आई यूज टू टेक पार्टिसिपेट, इनिशिएटिव लेना, कैसे क्या करना है, सर के साथ डिस्कस करना, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। देन 2014 में हमारे कॉलेज में एचडीएफसी बैंक का एक वो आया, प्लेसमेंट आया था, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर एचडीएफसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। एचडीएफसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रायपुर में था, तो 6 मंथ का कुछ कोर्स था। 2014 जुलाई कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ कोर्स के बीच में मेरे पास एक एप्लीकेशन आया एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक में कैशियर की जॉब। तो वो प्रोफाइल में मैं अप्लाई किया। देन आई डिसकंटिन्यू दैट एचडीएफसी ट्रेनिंग प्रोग्राम और मैं एक्सिस बैंक में एज अ कैशियर सेलेक्ट हो गया। जैसे आप लोग बैंक जाते होंगे तो वहाँ पे जो कैशियर होते हैं तो वो प्रोफाइल में मैं सेलेक्ट। देन वहाँ से 2014 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया कैशियर। कैशियर के बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर, देन नाउ आई गॉट प्रमोटेड टू डेप्यूटी मैनेजर इन इक्विटास बैंक। ये सब चीज जो लर्निंग थी मेरी, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल, मैं ये सब लोगों के लाइफ में एक कॉमन एम है, कॉमन एम ये है कि हम लोगों को एक अल्टीमेटली सबका कॉमन एम एम सेम है कि आपको पैसे अर्न, मनी अर्न करना है और साथ में अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना है। तो अर्न मनी लिव हैप्पीनेस, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, द इम्पोर्टेंट थिंग इज लर्निंग, लर्निंग। क्योंकि मैं हमेशा अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को ये चीज बोलता हूँ कि अर्निंग इज जितना लर्न करोगे मतलब सीखोगे समझोगे, ठीक है, जितना ज्यादा चीजों को ग्रैप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने रास्ते को सेट करते जाओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपको अगर आप डिग्री ही लेना है तो घर बैठ के आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, नोट्स तैयार करो, डिग्री आपको मिल जाए। लेकिन कॉलेज आने से, हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो फायदा ये होता है कि जो सराउंडिंग्स हैं हमारी और जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलता है। इससे ये है कि जो भी आपके अंदर की क्वालिटीज है वो आप डेवलप करते हो ऑटोमेटिकली। जो आपको नहीं पता है वो आगे चल के आपको पता चलेंगे आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको कोई दूसरा बताए कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर।
तो इसमें आप जब अपने सोशली ग्रूम होंगे, सराउंडिंग से मिलोगे, मार्केट में क्या हो रहा है पता करोगे, तब ये चीज डेवलप होगी। उसके लिए क्या करना है, सपोज कॉलेज हम डेली आ रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, इसके साथ अगर हम कोई हमारे चीजें के लिए हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, हर वीक हर साल एक फेस्ट होता है वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोग ऑटोमेटिकली जो आपकी जो क्वालिटीज है वो डेवलप करते हैं। होते होते 5 मिनट 10 मिनट बचा था तब खत्म हो गया। इको एपेक्स एक ग्रुप बना, एक वीडियो बना है मुझे देखने में जा रहा है वाला। आप कहाँ बनाए? लाजी अच्छा, आप कल कॉल किए थे? मैम वो तीसरा जो बनाएगा मेरे को रिकॉर्ड करना है, मैं आ जाऊँ क्या वहाँ से? 5 मिनट लगेगा बस। रूबी थर्ड एलुमनाई आ गया क्या? वो थर्ड एलुमनाई आ गया क्या? बोले नहीं 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 तीसरे को तो बोलना है ना अभी, वो अभी वो बोले जा रहे हैं पहले वाले। मैम मैम अभी नहीं खत्म हुआ उनका, आप बोलिए क्या बोल रहे। तो आप कर लीजिए फिर मैं आती हूँ, आ रही होगी मैम। कहाँ है? मैम वहाँ पे मैं यहाँ पे ऑडिटोरियम में एक बार चेक कर लिया था फॉर्म, वो यहीं से पढ़ी है। मेरा नाम प्रकाश है और हम लोग का जो बैच था 2014 वो सेक्टर 6 का आखिरी बैच था।
तो सबसे पहले तो थैंक यू अनिल सर, भाई जसवंत सर, कि हमको ये मौका मिला कि हम यहाँ के आप लोग के सामने कुछ प्रेजेंट कर सके। हम लोग भी जब फर्स्ट 2011 में जब ज्वाइन किए थे, तब हम भी आपके जैसे सेकेंड रो थर्ड रो में बैठते थे। हर लोग किसी को बुला रहे हैं बाहर से, कोई पास आउट है, कोई ऐसा है, वैसा ही बोल रहे। तो हम लोग सुबह में अक्सर डिस्कस करते थे कि हम लोग का भी मौका आएगा क्या, 8 साल 9 साल बाद हम लोग को भी कभी बुलाया नहीं था। आज वो मौका आया, थैंक यू सर सो मच। और बाकी इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि और वो सब चीज़ें तो कवर हो गई सुबह और सिद्धार्थ के अलावा, और बाकी कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जो आपको एक्टिविटी जैसे आपने बताया सुबह में, एक्टिविटी का जैसा भी आप सर का ही एग्जाम्पल है, फोटो वगैरह कुछ खींच रहे थे, सर ने अचानक बुलाया कि शान है, शान बहुत अच्छा फोटो खींचता है। तो शान जो है वो थर्ड ईयर तक 3 साल कंटिन्यू अगर स्कूल में कॉलेज में कभी भी कोई फंक्शन हो तो सर सबसे पहले उसी को बुलाएंगे। ये आज सर कुछ फोटो सेशन करना है और कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटी आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है तो फोटो लेंगे। तो ऐसे जितने भी आप लोग हो सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में कर सकते हैं। हमारा सबसे बेस्ट होता है मैनेजमेंट ट्री, मैनेजमेंट ट्री 1 वीक का होता है, उसमें हर वो टॉपिक कवर होता है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। स्पोर्ट्स हो गया, एकेडमिक्स हो गया, उसके अलावा एक्टिविटीज हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, सब हो गया। तो ये चीज आप लोग एकदम पार्टिसिपेट एकदम एक्टिवली कीजिए। और उसके अलावा सर हैं, सर ऑलमोस्ट हम लोग जब ज्वाइन करते थे तो सर ऐसे लोगों को बुलाते थे जो कि अभी कहीं एम डी है, कहीं सी ओ, ऐसे लोग हैं अभी। और ऑलमोस्ट हम भी जितने भी लोगों से सीनियर लोग से मिलते हैं तब हम बोलते हैं कि हम लोग सेक्टर सिक्स शंकराचार्य से पास आउट हैं। तो एक ही चीज़ बोलते हैं, अनिल सर अभी भी पढ़ाते ही क्या, जसवंत सर अभी भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ जसवंत सर हम लोग को ना उस समय बीबीएम पढ़ाते थे, अनिल सर हम लोग को मैथ्स पढ़ाते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ से कोई पास आउट है और अच्छी पोजीशन में है। मैं भी एज अ बैंकर ही हूँ, मैं भी 2014 में शुभम के साथ ही ज्वाइन किया था बैंक एक्सिस के बेनिफिट। और सर जैसे बोला कि जैसे दोस्ती है तो मैं एक भी टास्क में था, एक भी टास्क में जैसे मैं बाहर गया तो मैं शुभम को बोला मेरा पोजिशन खाली तो यहाँ हूँ। तो आप लोग की जो ग्रुप है यहाँ, तो ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल के बाद ऐसे जो ग्रुप है आप लोग आपस में टच रहेंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोग के बीच में ही रहेगा तो ग्रैब आप लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो हैं कॉलेज में रेगुलर आते रहेंगे, तो बाकी जो भी एक्टिविटीज रहेगा कुछ रहेगा सब आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जैसा कि सुबह में अपना नंबर लिया है उस पर आप कोई कॉन्टैक्ट करेंगे तो मुझसे भी कॉन्टेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक। वही तो है, थैंक यू सर। बाकी तो सब चीज़ कवर हो चुका है। आप लोगों को कुछ भी अगर बैंकिंग से रिलेटेड पूछना हो, क्योंकि हम लोग को अराउंड 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कभी कुछ बैंक का क्वेरी आएगा।